मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। उस काम में लगा आपकी 99% आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ और जीवन में भी उतारा। एक ही चीज दूध थोड़ा सा मतभेद से आपका हुआ है। दूध का हमारा नैतिक अधिकार कैसे है पीने का? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है इनका। माँ के अलावा बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को मैं थोड़ा और अच्छे से कहता हूँ, इन्होंने नहीं कह पाया मैं कहता हूँ। इनका ये कहना है और इस देश में कुछ लोगों का ये कहना है, विशेष रूप से मेनका गांधी जैसे लोगों का ये कहना है कि दूध तो जानवरों के बच्चों के लिए है, जैसे माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है वैसे ही जानवरों का दूध अपने बच्चे के लिए है, ये उनका कहना है। मैंने इसमें थोड़ा काम किया, थोड़ा जानने की कोशिश की कि हमारे देश में गाय होती है, बैल होती है, भैंस होती है, तो हमारे देश में ऐसी भी गाय हैं जो 60 लीटर 70 लीटर 80 लीटर दूध देती हैं। थरपारकर, साहिवाल, कांकरेज, अमृत महल, राठी कुछ ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। अब बछड़े का दूध जो होता है, जो वो रोज़ पी सकता है, वो उसके वजन का 1/10 हिस्सा होता है। ये विज्ञान का नियम बता रहा हूँ आपको। कोई भी बछड़ा या बछड़ी, उसका जो कुल वजन है उसका 1/10 हिस्सा ही वो दूध पी सकता है। मान लो बछड़े का वजन है 10 किलो, कल्पना करो, जब वो पैदा होता है 15 किलो, कल्पना करो, तो वो एक दिन में 1.5 लीटर ही दूध पी सकता है। ज़्यादा पिलाओगे दस्त हो जाएंगे उसको, टट्टियाँ हो जाएंगे। अब सुनो, अब वो 1.5-2 लीटर तो पी सकता है, अब उसकी माँ को दूध उतरता है 15 लीटर, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, या तो बछड़े को ज़्यादा पिलाएंगे तो वो बीमार होकर मर जाएगा, या बछड़े को दूध 1.5-2 लीटर ही पिलाएंगे, बाकी दूध माँ को उसके थनों में ही छोड़ देंगे तो माँ मर जाएगी। क्योंकि दूध जो है ना वो प्रोटीन है, और जब वो सूखेगा तो वही ट्यूमर में कन्वर्ट होगा और कैंसर होगा और वो गाय मर जाएगी। आपको मालूम है जिस गाय का दूध नहीं निकाल पाते उसको इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, चिल्लाना शुरू कर देती है वो। कई बार क्या होता है ना, माँ जैसे वैसे ही गाय, कोई माँ है ना जन्म देते ही उसका बच्चा मर गया तो अंदाजा लगा लो उस माँ को कितनी तकलीफ होती है, उसका दूध नहीं निकलता। वैसे ही गाय का बच्चा मर गया, अब दूध तो बच्चे के लिए है, वो तो मर गया, आप तो निकालोगे नहीं क्योंकि आप नैतिक मानते हो, अनैतिक मानते हो, तो मर जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि बछड़े और बछिया के लिए वजन के अनुपात के हिसाब से दूध छोड़िए। तो हमारे किसान अक्सर ये करते रहे कि 1 थन का दूध बछड़े और बछड़ी के लिए, 3 थन का दूध अपने लिए। तो ये बैलेंस की व्यवस्था है, पूरा दूध निकलता भी रहे, माँ भी जिंदा रहे, बछड़े भी जिंदा रहे, बछिया भी जिंदा रहे। अब क्या हुआ, इस देश में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया दूध बच्चे का अधिकार है, आप पी रहे हो तो आप अनैतिकता कर रहे हैं। तो अब फैल गया, दूध पीना बंद कर दो, क्या पियोगे? आपके पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध के अलावा हिंदुस्तानियों के पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, घी है, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा है क्या आपके पास? दालों में प्रोटीन है, गेहूं में, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और दूसरी चीजें हैं। कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डी बनेगी नहीं, हड्डी बनेगी नहीं, शरीर चलेगा नहीं। कैल्शियम का एक ही भंडार है, दूध और दूध की बनी हुई चीजें। इसलिए भारतीय भोजन व्यवस्था में दूध सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा भोजन यही है क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे को कैल्शियम सबसे ज्यादा चाहिए। अमेरिका और यूरोप में दूध की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके कैल्शियम की पूर्ति के लिए उनके पास दूसरी कई चीज़ें हैं। वो बीफ ईटर हैं, मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, गाय के दूध में कैल्शियम है, गाय के शरीर में कैल्शियम है, उसके मांस में बहुत कैल्शियम है, तो गाय का मांस खा के कैल्शियम की पूर्ति कर लेते हैं। सुअर का मांस खा के और ज़्यादा कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। पोर्क ईटर हैं, बीफ ईटर हैं, मटन खाते हैं, ये सब खाते हैं, वो पूर्ति कर लेते हैं। हम शाकाहारी हैं, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, दूध, और दूसरी कोई चीज नहीं है। इसलिए भारतीय व्यवस्था में तो दूध की सबसे बड़ी जरूरत है। आप नहीं पिएंगे, जानवर मर जाएंगे दूध नहीं निकालेंगे तो उनका, इसलिए दूध तो निकाल। भैंस में भी सामान्य रूप से 10-12 लीटर दूध होता है, एक दिन में उसके बछड़े को 1.5-2 लीटर की ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं, बाकी तो निकाल के आपके लिए ही है।